अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपके लिए सैम्पल आंसर्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। सो गो थ्रू दी सैम्पल आंसर्स, और जिस भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो इन रिलेशन टू अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर, या आंसर समझ नहीं आ रहे कि किस तरह से लिखना है, तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस ऑन MW अकेडमी का पेज। MW अकेडमी के पेज पे आप इनबॉक्स करें, अपनी क्वेरी बताएं, और आपके रेलिवेंट टीचर्स, इस सब्जेक्ट के नहीं किसी भी सब्जेक्ट के रेलिवेंट टीचर जो है वो आपको असिस्ट करेंगे। एंड स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू राइट ऑन देयर ओन। जितने भी आंसर्स हैं, स्पेशली जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपको अपने वर्ड्स में लिखने हैं। ये सिर्फ सैम्पल आंसर्स हैं कि किस तरह के आंसर होने चाहिए। जो आपने रिसर्च वर्क किया होगा क्वेश्चन नंबर 1 में, उसका आंसर वेरी कर सकता है बेस्ड ऑन योर रिसर्च। अनदर थिंग, कि आई अंडरस्टैंड कि ये नॉवल आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि आपका लेवल जो है वो एकदम से हाई कर दिया गया है और इसकी इंग्लिश बहुत मुश्किल है और अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना आसान नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं। आप लोगों की असिस्टेंस के लिए हर टीचर बिल्कुल रेडी है, मौजूद है यहाँ पे। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन एक्सप्लेन किया जाएगी हर चीज़। तो जस्ट डोंट वरी एट ऑल। एक और चीज़ ये कि आई नो कि आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसको बिल्कुल ही छोड़ नहीं देना है, ट्राई करना है, ख़ुद भी एफर्ट्स करनी है कि इसको समझ सकें। आपके लिए एनिमेटेड कार्टून दिया गया था, आपके लिए एनिमेटेड शॉर्ट समरी दी गई थी, सो जस्ट लिसन टू दैट एज वेल, ताकि उससे भी आपकी अंडरस्टैंडिंग डिवेलप हो। एंड ब्रेनस्टॉर्म करें अपने क्वेश्चंस को लिखने से पहले, देखें कि क्या क्या की पॉइंट्स आने चाहिए उनके ऊपर, और उसके बाद अपने आंसर्स को डिवेलप करें। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइज़।